हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। ये वीडियो संबंधित है विशेष रूप से सी टेट, टेट और सुपर टेट से। ये आप लोग देख रहे हैं बाल विकास, पर्यावरण शिक्षण, गणित शिक्षण और हिंदी शिक्षण, इसके साथ साथ ही सामाजिक शिक्षण से रिलेटेड भी हम लाइव टेस्ट लेकर के आएंगे। सो आप लोग इसे ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है तो सी टेट के एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग डेली लाइव ज्वाइन करें और अपने जो प्रिपरेशन है उसको और भी अच्छा बनाएं। इस सेशन में जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये 15 टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, हिंदी से रिलेटेड हैं, हिंदी शिक्षण से रिलेटेड हैं, हिंदी पेडागॉजी है। तो आप लोग इन्हें सॉल्व करके बताइएगा कि कितने आपके मार्क्स आए और कितना आपने सॉल्व कर पाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हिंदी के क्वेश्चन है जिसमें जो आपका आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा सीखने का उद्देश्य। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, आपको इसमें आंसर बताना है कि भाषा सीखने का जो उद्देश्य है तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, बताइए आप, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना या अपने मन की बात कह पाना। तो जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना ही भाषा सीखने का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आज का हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विचार किसका है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। देखिए, सामाजिक विकास का सिद्धांत जो भाषा में समाज से संबंधित है तो उसका सीधा सा आंसर है बाइगोस की, और जो चोमस्की ने दिया है भाषा विकास का सिद्धांत दिया है, प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया है और स्किनर ने अधिगम सिद्धांत दिया है। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन फोर, बाइगोस्की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी, क्या होगी ये आपको बताना है। शब्द कोश एवं विशेष कोश के प्रयोग की, भाषा प्रयोग के विभिन्न अवसरों की, सतत एवं व्यापक आकलन की या सर्वोत्कृष्ट पाठ पुस्तकों की। तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन थ्री, सतत एवं व्यापक आकलन की। देखिए, जो बच्चों का सबसे उपयुक्त विकास होता है तो सबसे जरूरी होता है कि बच्चों का लगातार सतत, मतलब होता है कंटिन्यूअस, सतत उनका आकलन किया जा सके कि बच्चे कैसे सीखते हैं। ये नहीं देखना है कि बच्चों ने क्या सीखा, कितना सीखा, बच्चे कैसे सीखते हैं, ये गौर करना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर, लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, कार्यालय कार्यों के लिए ही किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है या केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो आप लोग हमें बताइए जल्दी से, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थ्री। देखिए, लिखित भाषा का प्रयोग जो होता है वो अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 101, जो आज का 5 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। देखिए, जब भाषा की कक्षा में बच्चों को खेलने का मौका देंगे हम लोग तो बच्चे में जोश आएगा और उसका खेलने पढ़ने में उसको जो एंजॉय करके बच्चे सीखते हैं वो उनके लिए एक रोचकता पूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है, भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र। अब मात्र लिखा है तो शायद ही ये आंसर हो सकता है क्योंकि कुछ अलग लिखा है, भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है और साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है। देखिए, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है कि कल्पनाशीलता का पोषण हो, बच्चों में कल्पनाशीलता का विकास हो, यही उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता, अब बता दीजिए आप लोग, बहुत सरल आंसर है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला जो क्वेश्चन है आज का, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा
कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। यह व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, लेकिन बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, ये इसका सही आंसर हो, क्योंकि बच्चे नहीं बना पाते हैं अपने भाषा के नियम। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो चार ऑप्शन है, अब आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा कथन सही होगा। क्वेश्चन नंबर जो अगला है उसका कथन कौन सा सही होगा? तो उसका जो कथन सही होगा, सतत व्यापक रूप से जाने वाली टिप्पणियों एवं अनवरत अभ्यास सीखने की रुचि उत्पन्न करना, या बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर पाते हैं, बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है, या बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। देखिए, जो बच्चे होते हैं, बच्चे की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान, बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, ये विद्यालय में ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। देखिए, जब प्राथमिक बच्चे अलग अलग भाषा बोलने वाले होते हैं, अलग अलग उनका रहन सहन होता है, अलग अलग उनकी भाषाएं होती हैं, तो ये एक चुनौती होती है भाषा की कक्षा में, क्योंकि सबका अपना अलग अलग कल्चर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, पहली कक्षा की भाषा, अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि, अब क्यों चिंतित है ये आपने बताना है, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता, विद्यार्थी को घर पर बात करने का बहुत कम अवसर मिलता है, विद्यार्थी के माता पिता मातृभाषा अलग अलग है, विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। देखिए, इसके दो हो सकते हैं, लेकिन भाषाई विकास से चिंतित है शिक्षिका, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या होगा, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अलग अलग होती है बच्चों की। बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है, ये भी गलत हो सकता है। निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलने सीखने की गति धीमी होती है, या कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख जाते हैं। ये सही बात है कि अगर बच्चों को अवसर मिलता है बोलने का, तो वो बच्चे अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बोलना अपने आप सीख जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर, या एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, देखिए, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे स्वतः ही सीख जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन, तो इसका आपको बताना है कि जो क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, मौखिक कार्य करवाने पर, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, या कक्षा कार्य के अवलोकन पर? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। अब देखिए, पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें बच्चे की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी क्रियाकलाप होती हैं, उन सभी का एक डिटेल बच्चों का एक फाइल में कैद होता है, फाइल में बना होता है, वही पोर्टफोलियो होता है जिसमें बच्चे का सारा ब्यौरा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करेंगे? बताइए आप क्या करेंगे? पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे,
शब्दकोश देखना सिखाएंगी, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी या पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी बच्चों को। कि जैसे आपने, जब आप लोग छोटे छोटे होंगे, आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, तो आप लोगों ने देखा होगा जो नवीन शब्द आते थे, नए नए वर्ड्स जो आते थे, तो उस समय बच्चों को उनका शब्दों का अर्थ लिख करके उनको बताया जाता था कि इन शब्दों का क्या अर्थ होगा। तो फ्रेंड्स, ये 15 जो पेडागॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, इसमें आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप जरूर बताइएगा। और हमारे जो हर समय आप लोगों के लिए हमारी टीम के द्वारा प्रयास हो रहा है, और डेली लाइव सेशन को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि अब ये लास्ट टाइम चल रहा है सीटेट की प्रिपरेशन का। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करेंगे आप लोगों के लिए, उतना ही बेहतर होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।